नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 105वां अजीमो शान उर्स मुबारक संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है। इस संबंध में आज हजरत सदन शाह बाबा की दरगाह पर हजरत बाबा सदन शाह उर्स कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन सदर हाजी बाबू बदरुद्दीन कुरैशी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समस्त कमेटियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गईं। साथ ही साथ बताया गया कि 31 मार्च 2023 को चादर शरीफ के साथ उर्स का आगाज किया जाएगा। 31 मार्च को ही ईशा की नमाज के बाद सदन कौमी एकता ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन देश के मशहूर शायर अल्तमश अब्बास रुड़की की नजाबत में संपन्न होगा। बताया गया कि 1 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात से पधारे इंटरनेशनल टीवी सिंगर बकब्बाल अनीस नवाब द्वारा शानदार कब्बालियों का प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं 2 अप्रैल को जुनेद सुल्तानी मुंबई इंटरनेशनल टीवी सिंगर बकब्बाल द्वारा और 3 अप्रैल को सलीम जावेद कब्बाल बेंगलोर कर्नाटक इंटरनेशनल टीवी सिंगर द्वारा बेहतरीन कब्बालियों का प्रदर्शन होगा। बताया गया कि बैठक के दौरान उर्स से संबंधित सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह भी बताया गया कि आज समस्त सरकारी विभागों को कमेटी द्वारा पत्र प्रेषित करके बिजली पानी सफाई और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की मांग की जाएगी और सहमति ली जाएगी। इस दौरान बताया गया कि उर्स कमेटी की सभी छोटी छोटी कमेटियों का गठन करके उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। आपको बता दें कि ललितपुर शहर में हजरत सदन शाह बाबा की दरगाह पर हर वर्ष कौमी एकता को कायम रखने के लिए उर्स का आयोजन किया जाता है, जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार के आयोजन से शहर में शांति सौहार्द और भाईचारे तथा कौमी एकता का माहौल बना रहता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। कब से उर्स की तैयारी, कब से होना है उर्स, क्या क्या तैयारी हुई? ये उर्स 31 मार्च से होना है और 4 अप्रैल तक हमारा आयोजित होना है और लगभग हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज ये मीटिंग भी बैठी हुई है और हमारे सारे कब्बाल और जो शायर जो तमाम इंडिया के कोने कोने से आ रहे हैं, सभी हमारे बीच डिसाइड हो चुके हैं और उनकी हमें अनुमति भी मिल चुकी है और इंशाल्लाह ताला हर वर्ष की तरह इस बार भी उर्स काफ़ी अपने चरम पर होगा और हमारे यहाँ जितनी भी कमेटियाँ हैं उन लोगों को भी निर्देशन दे दिया गया है, चाहे वो चंदा कमेटी हो, दुकान कमेटी हो, पानी की कमेटी हो या जो शायरों और कब्बालों के इंतजाम के लिए कमेटी हैं, सभी का गठन किया जा चुका है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार का उर्स भी हमारा बेमिसाल होगा, तारीफ़ काबिल होगा और प्रशासन से पब्लिक से पत्रकार बंधुओं से भी हम अपील करते हैं कि उर्स में जितना भी सहयोग हो सके हम लोग को सहयोग। आज कमेटी की क्या तैयारी है और किस चीज़ की मीटिंग हुई है? आज हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह पर उर्स कमेटी की मीटिंग मुनक्कित की गई है, जिसमें जो हर वर्ष उर्स होता है उसके बाबत बहुत सी बातें की गई हैं। उर्स 31 मार्च से शुरू होगा, 4 मई तक उर्स चलेगा। इसमें ऑल इंडिया मुशायरा भी होगा 31 मार्च को और 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को कव्वालियाँ होंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हर शख्स यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर आता है और जायरीन आते हैं। मीटिंग भाई है, क्या क्या निर्णय लिया गया, कौन कौन से कव्वाले आ रहे, कब से प्रोग्राम चालू है? 31 मार्च से हमारा ये प्रोग्राम चालू होगा और आज जो मीटिंग थी उसमें सारी कमेटियों को बुलाकर काम जिन जिन के काम है उनको काम सौंपने का काम किया। जल संस्थान हर विभाग के अलग अलग नगर पालिका का काम है, सारे लोगों सारे विभागों के कामों को आज हमारे यहाँ से सूचना जाएगी। हमारे जो जो कमेटी के लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में सूचना देने का काम करेंगे और ये विभाग से सारे विभागों की जिम्मेवारी होती है यहाँ पर काम करने की और उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हमारे यहाँ काम करें जिसमें कामयाबी और उरूज पे पहुँचे, ललितपुर का नाम हो। एक बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह
हजरत बाबा सदन सा रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीम शाम उर्स मुबारक होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम प्रतीक है। यहाँ पर सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग यहाँ पर अपनी ज्यारत लेके आते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं। बड़े बड़े हिंदुस्तान के कव्वाल आते हैं और मुशायरा होता है यहाँ पर, इंटरनेशनल शायर भी आते हैं। 31 तारीख को मुशायरा होगा, 1, 2, और 3 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होता है और सारे अधिकारियों की हमारे यहाँ पर उनकी पूरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा काम कराने का काम करें। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।